हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। यूपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर खूब सियासी वार कर रहे हैं, लेकिन शनिवार को सीएम योगी का अखिलेश पर बयान और फिर अखिलेश का उस पर पलटवार इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। सियासत में वैसे तो आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं, लेकिन जब ये निजी जिंदगी और रिश्तों पर सवाल उठने उठाने में तब्दील हो जाए तो माहौल कड़वाहट भरा होना स्वाभाविक है। दरअसल पिछले शनिवार को विधानसभा के बजट सत्र 2023 की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच नेताजी के मुद्दे पर बहस हो गई। दरअसल सीएम योगी अपनी बात कहते कहते अखिलेश की ओर मुखातिब हुए तो यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए जो पिता का सम्मान नहीं कर पाए। सीएम योगी की मंशा भले ही अखिलेश को ठेस पहुँचाने की ना रही हो, लेकिन अखिलेश को ये बात भावुक कर गई। और यही वजह है कि जब अखिलेश यादव बजट भाषण में बोलने के लिए खड़े हुए तो वो बेहद ही भावुक अंदाज में नजर आए और सीएम योगी के बयान पर बेहद ही नरम तरीके से प्रतिक्रिया दी, जिसे सीएम योगी ने गंभीरता से सुना भी। सबसे पहले तो आप सुनिए कि सीएम योगी ने किस तरह से अखिलेश यादव पर पलटवार किया था। उनके शासन काल के समय हुआ ही था जब स्टेट गेस्ट हाउस की घटना घटित हुई थी, आचरण तो उनका उस समय भी सामने आया था। लड़के हैं, गलती कर देते हैं, ऐसे भी बयान आए थे। ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे। महोदय, वे लोग लोकतंत्र की बात करें, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये किसके गुरु हैं? यानी यह सिद्धानंद गुरु किसके हैं? यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और महोदय, मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए, कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं उन वक्तव्यों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। अखिलेश यादव ने भी बड़े भावुक अंदाज में अब सीएम योगी के बयान पर प्रतिक्रिया दी और क्या कुछ कहा जरा सुन लीजिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर हम धार्मिक परंपराएं मानते हैं और रीति रिवाज को मानते हैं तो ये समय नहीं है उन बातों को कहने का भी अध्यक्ष महोदय, कि उन रीति रिवाजों के बारे में मैं नेता सदन से पूछूं, क्योंकि वो परंपरा भी नहीं रही हैं। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दें उसको लेकर के कहा जाए जो बात नेता सदन की तरफ से आई थी, नेता सदन ने यही कहा था, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता जो क्या कहा था आपने। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पर चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पर ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। और मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, मिलिट्री स्कूल में। आप देख सकते हैं कि जब अखिलेश यादव ऐसा कह रहे थे तो सीएम योगी आदित्यनाथ सिर हिलाते हुए नजर आ रहे थे, यानी कि सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव के इस बयान पर सहमति जताई और बेहद ही गंभीर नजर आए। फिलहाल देखना होगा कि आज सीएम योगी विधानसभा में किस तरह से अखिलेश यादव के बाकी बयानों पर प्रतिक्रिया देते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।